नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 328 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1965 हो गई है, जबकि 50 लोगों की जान जा चुकी है और 151 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद 9.5 लाख पार कर गई है। पूरी दुनिया में अब तक 9,51,912 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनमें से 48,320 लोगों की मौत हो गई है। इससे अब तक 2,02,888 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में 257 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस फंड में बिजली मंत्रालय ने कुल मिलाकर 925 करोड़ रुपए दिए हैं। इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री याकूब लिजवान को भी कोरोना संक्रमण हो गया है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रख लिया है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन शपत और खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख योसी कोहेन भी जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी राज्यों से कहा है कि वे सभी हॉटस्पॉट पर नागरिकों का एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। देश में ऐसे 10 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के संकट के बीच अयोध्या में रामनवमी पर प्रभु राम का प्राकट्योत्सव में लाखों की भीड़ नहीं रही, बल्कि ये सन्नाटे में मनाया गया। लॉकडाउन के कारण पूरा शहर सील है और इस कारण अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में होने वाले राम जन्मोत्सव को भी मंदिरों के गर्भगृहों तक सीमित कर दिया गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या संक्रमण की तुलना में शायद बहुत कम हो। स्वास्थ्य से जुड़ी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लानसेट ने अपने अध्ययन में पाया है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1.38% है। इस अध्ययन पर भरोसा किया जाए तो चीन ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या को बहुत ही कम किया जा सकता है। इंदौर में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य अमले में शामिल डॉक्टरों और अन्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल बुधवार को इंदौर के टाटपट्टी, बाखल और सिलावटपुरा में हंगामा हुआ था। यहां जब कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची तो मोहल्ले के लोगों ने डॉक्टरों से बहस की और पथराव करना शुरू कर दिया। घटनाक्रम की पूरे देश में निंदा हो रही है। तबलीगी जमात के मौलाना साद कांदलवी ने गुरुवार को एक ऑडियो जारी किया है। मौलाना ने इस ऑडियो में कहा है कि दुनिया में जो बीमारी फैली है ये इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। मैंने खुद को क्वारंटीन किया है और मैं जमात से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूं कि वे सरकार के निर्देशों का पालन जरूर करें। निर्यातकों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें निर्यात शुरू करने और उसके लिए अपने कारखाने खोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि तुरंत निर्यात नहीं शुरू किया गया तो भारत के बाजार पर चीन का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि चीन ने अपनी उत्पादक इकाइयां खोल दी हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर ये मांग रखी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।